ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस बी, चार आइडेंटिटी हुआ। ठीक है बेटा, पता चल रहा है? फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, उसके बाद देखो थ्री ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब, ठीक है, और ये है ए माइनस बी का होल क्यूब। दिखाई दिया बेटा ठीक से? यहां पे अच्छा ओके, अनुज 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 कनेक्टेड है? ओके बेटा, अभी सही है? ठीक है बेटा, दिखाई दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट दिखाई दिया नहीं? तो फर्स्ट सब कर दिया, फर्स्ट में फोर को लिख देता हूं, ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। क्लियर बेटा? ए क्यूब माइनस थ्री स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ठीक है। अच्छा अभी इसके फॉर्मूला को अप्लाई करके तुम लोग इसके वैल्यूज फाइंड करो, 102 का होल क्यूब फाइंड करना। सपोज 102 का होल क्यूब फाइंड करना, तो पहले इसे करता हूं 102 का होल स्क्वायर, तो क्या करेंगे 100 प्लस 2 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर 2 इंटू 100 प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, फिर ऐड कर दोगे, ठीक है बेटा, इस तरीका का ये चार्ज फॉर्मूला याद हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। आइडेंटिटीज तुम्हारा बुक में यहाँ पे दिया, सारे आइडेंटिटीज ये देखो बुक मिल गया बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये देखो थर्ड आइडेंटिटी और लिख देता हूँ, फोर्थ आइडेंटिटी भी लिख देता हूँ, ठीक है बेटा। मान लो तुमको बोला है कि प्रूव दैट
a plus b का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर प्रूव करना है। तो क्या करोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। उसके बाद ए से इंटू होगा किसका, ए प्लस बी का, प्लस बी से इंटू होगा ए प्लस बी का, इसके साथ इस पूरा का इंटू, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है बेटा, आ गया समझ में। हाँ बोलो बेटा, जा स्क्वायर बोल दो बार लिख देते बेटा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, अभी ए के साथ इसका इंटू होगा ए प्लस बी का, फिर बी के साथ किसका अंडा है ए प्लस बी का, तो ए स्क्वायर ए इंटू बी, और एक बार लिखता हूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर मतलब क्या होते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये बात क्लियर हो बेटा, ओके। अभी इंटू कैसे होता है देखो, ए इंटू ए प्लस बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए इंटू ए प्लस ए इंटू बी, बी इंटू ए प्लस बी इंटू बी, ए इंटू ए क्या होता है स्क्वायर, ए बी ए बी ए बी हो गया बी स्क्वायर, ए स्क्वायर हुआ ए बी प्लस ए बी कितना होता है टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, हो गया बेटा, अच्छा ओके। तो अभी जल्दी से ये वाला प्रूफ करो, प्रूफ दैट ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस टू ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस माइनस बी, इसको प्रूफ कर दो बेटा। बेटा प्रूफ कौन कौन कर पाओगे, बेटा इसका प्रूफ हो जाएगा, इसका प्रूफ करते हैं अभी, सेकेंड वन ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, बात क्लियर हुआ, उसके बाद ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ए इंटू बी बी इंटू ए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, हो गया बेटा, आया समझ में बेटा, हाँ अभी करता हूँ और एक कर दिया,
इनटू ए माइनस बी, क्लियर है बेटा? टेबल ओके, ये लिखेंगे इनटू ए माइनस बी, ये कौन सा माइनस बी है, तो माइनस बी इनटू ए माइनस बी, ठीक है, ए इनटू ए, इसके साथ इसका प्रोडक्ट होगा, इसके साथ इसका प्रोडक्ट, दिस इज इज प्रोडक्ट, फिर ए के साथ इसका इनटू होगा ए इनटू ए, क्लियर? इसके बाद क्या लिखेंगे, ये प्लस है माइनस, माइनस ए इनटू बी, माइनस बी इनटू ए, माइनस और माइनस इनटू करते कितना होगा, प्लस होगा ना, इनटू माइनस क्या होता है, प्लस होती है, तो क्या लिखेंगे, प्लस बी इनटू बी, लावो नहीं क्लियर, अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रहा बेटा, अभी दिखा दिया स्क्रीन, एक मिनट, ये वाला दिखाई दे रहा है, बेटे ये वाला अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी इनटू ए माइनस बी, ये क्लियर है, इसके बाद क्लियर हो गया, अच्छा ओके, तो ए के साथ इनटू होगा a into a minus b, और ये पे कौन सा minus b है बेटा, minus b, तो minus b into a minus b, ये क्लियर हुआ, अच्छा उसके बाद a into a, बेटा जिन लोग को समझ में आ गया उन लोग a minus b का whole cube, a plus b का whole cube करके व्हाट्सएप में सेंड कर दो, ठीक है बेटा, ये दोनों तुम लोग करो, जिन लोग का आ चुका है, पर जिन लोग का नहीं आया उन लोग इधर देखो, है तो a into b, a है ये माइनस b बेटा, तो कितना लिखेंगे, प्लस और माइनस, माइनस होगा प्लस माइनस, और इसमें देखो माइनस b into a, माइनस इनटू माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस बी इनटू बी, ठीक है, तो ए इनटू ए स्क्वायर, ए इनटू बी ए बी, ए क्या होगा ए बी, ए बी, ए बोला क्या बी इनटू बी, बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर है एक ए बी दूसरा, तो माइनस टू ए बी, देख माइनस ए माइनस ए क्या होता है, माइनस टू, माइनस बी माइनस बी, माइनस टू बी, माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, माइनस टू एक्स, और ये वाला कौन सा होगा बी स्क्वायर, हो गया ना बी, ओके, तो इसका देखो इसे करो ए प्लस बी का होल क्यूब, हाँ अभी चेक कर रहा हूं,
मतलब 1 लाख का होल क्यूब फॉर्सो को क्या लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते बेटा दिख ओके अभी थोड़ा प्रूफ क्या था a प्लस बी का होल स्क्वायर को क्या है a स्क्वायर प्लस 3b प्लस b स्क्वायर यहाँ पे पुट कर देते हैं ए प्लस बी और इस जगह पे स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ठीक है फिर अभी ए इंटू ए स्क्वायर ए इंटू दिस ए कैसा इसका बेटा यहाँ पे है ना इसके साथ इंटू होगा इसके साथ इंटू होगा इसके साथ भी इंटू होगा अच्छा और एक बार बताइए अच्छा मैंने अभी जिन लोग का हो गया उन लोग के लिए फिफ्थ वाला दे रहा हूं फिफ्थ प्रूव दैट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और सिक्स वाला दिया प्रूव दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी जिन लोग हो गया उन लोग इसे कर सकते हैं हाँ बेटा बोलो बिकॉज इसके वैल्यूज हम लोग प्रूव कर दिए थे थोड़ी देर पहले इसे तुम करना चाहते तो कर सकते इसे भी तो कौन सा दिक्कत है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी ये भी कर सकते हो कोई बात नहीं लेकिन हम लोग इसको पहले जान देते हैं यहां से पुट कर दिए ठीक है बेटा इसको हाँ बता
अनवी सर और समझ में आ रहा बेटा? बेटा आशु के भाई। हाँ बेटा, तुम्हारा नाम क्या, भूल जाता हूँ बेटा। अच्छा ओके ठीक है। बेटा जो क्या समझ में आ रहा बेटा, जो जो कोर्ट में करा है समझ में आ रहा? अच्छा ओके। अच्छा और एक बार बताता हूँ बेटा इसके बारे में, किसी ने डाउट पूछा कि इसको कैसे करें, ठीक है वो भी बताता हूँ बेटा। ये प्लस इनका होल की हो, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस, ए प्लस बी को ऐसे रख दिया, एक ब्रैकेट लगा दिया, फिर इसके इनटू किया, ठीक है फिर ए प्लस बी इसमें ए इनटू ए प्लस ए इनटू बी प्लस बी इनटू ए प्लस बी इंटू, जो सेकेंड मेथड जो बोल रहे हो ना। और एक बता दो, ए प्लस बी स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका आगे तो कर लोगे ना बेटा। ओके बिकॉज ये वाला तो कर दिया था, यहाँ से करना चाहते थे इसे इनटू करके यहाँ तक पहुंच के फिर दोबारा कर लोगे, वो भी लिख देता हूँ, ए इनटू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए इनटू ए स्क्वायर ए इनटू टू ए बी। ये नीचे दिखाई दे रहा है? नहीं वो नहीं दिखाई दे। अभी इसको कर लोगे बेटा? बेटा इसके बाद तो इंटू हो जाएगा। ओके ठीक है, जैसे फर्स्ट मेथड में किया था ऐसे ही करोगे। अच्छा नेक्स्ट, ए माइनस बी का होल क्यूब करोगे तो क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी ए माइनस बी। ओके अभी इसमें भी, हाँ बेटा बोलो। ओके तो ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद ए ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर पहले ए के साथ इस पूरा का होगा तो लिख दिया, माइनस बी के साथ इस पूरे का होगा तो लिख दिया, माइनस प्लस और माइनस माइनस होगा, ए इंटू टू ए बी प्लस ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी स्क्वायर माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस माइनस क्या होता है प्लस बी इंटू, ठीक
is minus b into b cos phi. Minus b plus minus plus minus b into b cos phi. ठीक है, अभी a into a square, a cube minus a है, a भी a है, तो s करो 2 a square b plus a into b square, a b square minus a square b plus 2 a b square minus b cube. हाँ बेटा बोलो, हाँ हाँ एक तो इधर से लेफ्ट से राइट और ये वाला राइट से लेफ्ट, इस तरीके से एक बार इधर से इधर आना है, इधर से इधर, ये वाला तो इजी है, ये वाला बहुत इजी, इनटू कर दो आ जाएगा, लेकिन ये वाला कैसे करो, यहां से इधर कैसे जाओ, तो ए क्यूब माइनस ये वाला दो है, यहाँ पे एक है, तो माइनस थ्री ए स्क्वायर बी और ये वाला एक, यहाँ पे दो, एक और दो तीन, थ्री ए बी स्क्वायर और ये वाला बच गया माइनस बी. आगे बेटे समझ में? ओके गुड. तो हम लोग पांच, वहां पे चार था, पांच और छह इधर है. अच्छा चेक करता हूं. अच्छा तुम लोग का कौन सा सही लग रहा है, गूगल मीट सही है और जूम सही है? गूगल मीट से सही है. फर्स्ट हुआ, सेकेंड वाला नहीं हुआ, फिफ्थ हो गया. गुरविंदर तुमने इसे सॉल्व किया, ये सही है, लेकिन ये वाला जो है ना, इसको इसके बराबर भी प्रूव करना था सेकंड में. और कौन भेजे देखते हैं, दीवांशु ने भेजा स्क्वायर बी स्क्वायर. दिवांशु सही नहीं हुआ बेटा, तुमने एक ही चीज को बार बार लिख दिया, नहीं हो रहा ठीक से है बेटा तुम्हारा, ये वाला जो है करेक्ट नहीं, अभी बताएंगे एग्जैक्ट नहीं. अच्छा ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 and 6. बेटा कोई जगह पे मान ले ऐसा लिखा होता है x प्लस वाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस टू प्लस वाई माइनस टू लिख सकते हैं, ये दोनों सेम है ना बेटा, टू ऐड किया टू माइनस किया सेम है ना, ऐसे तो लिख सकते हैं, यहाँ पे थ्री लिख देंगे तो यहाँ पे माइनस थ्री लिखेंगे, और बोले ऐसे लिख देते एक्स ए बी तो वाई में भी माइनस ए भी लिखना पड़ेगा, है ना बेटा, तो कौन सेम चीज एट सेम एट सेम एट किया और सेम थिंग
सब्ट्रैक्शन, ये हम लोग कर सकते। 4 लिखने बोला तो हम लोग लिख सकते हैं 4 + 2 - 2, ये भी 4 ही है। तो अभी देखते हैं कि ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। a प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी बेटा ए के साथ ए माइनस बी का और बी के साथ ए माइनस बी का इनटू, तो ए इनटू ए माइनस प्लस और माइनस माइनस, बी और ए प्लस और माइनस माइनस, b into b, a into a क्या हो गया स्क्वायर, ये हो गया माइनस ab, ये हो गया प्लस ab, ये माइनस b स्क्वायर, ये काट जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है बेटा, आ गया समझ में? और सिक्स वाला ये देख, यहां से ऊपर चला जा सिक्स हो जाएगा, यहां से ऊपर जाना, ये स्टेप उसके बाद ए उसके बाद ए उसके बाद ए उसके बाद, ये देख कर लो, पहले क्या लिखा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी हमने कर रहे ए स्क्वायर, ए भी ऐड कर दिया, ए भी माइनस कर दिया, माइनस बी स्क्वायर, जितना ऐड किया उतना ही सब्सट्रैक्ट, ओके okay. इसके बाद यहां से ए कॉमन ले लो ए प्लस बी, यहां से माइनस बी कॉमन ले लो ए प्लस बी, अब ये दोनों सेम है तो कॉमन ले लो ए प्लस बी, बेटा दिखाई दे रहा है, एक मिनट चेक करता हूं, हां दिखाई, इनटू ए माइनस, क्लियर, ये जो लिखते हैं ना उल्टा कर दे, इसके बाद इसे बाद इसके बाद इसके बाद इधर, और एक बार ओके, और एक बार समझाते हैं, फिफ्थ वाले में बेटा ये फिफ्थ वाले में ऊपर से नीचे आ रहे और सिक्स्थ वाले में यहां से ऊपर जाना, तो कैसे करेंगे, सिक्स्थ वाले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया, इसके बाद क्या करोगे, ए बी को ऐड करो, ए बी को सब्ट्रैक्ट करो, ए बी ऐड करो, ए बी सब्ट्रैक्ट करो, तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, ठीक है बेटा, इसे काट दोगे तो ये आ जाएगा, अभी इसमें क्या है a into a, इसमें क्या है a into b, इसमें क्या है a into b, इसमें क्या है b into b, यहां तक समझ में आया बेटा, इसे सब्ट्रैक्ट किया इसे ऐड किया दोनों तो काट देंगे, तो जैसे ये वाला टर्म था ना इस टर्म को यहां पे लिखते हैं, इसके बाद यहां पे भी ये है यहां पे भी ये है, तो क्या ये कॉमन है, यहाँ पे ये होगा यहाँ पे माइनस बी होगा, और यहां से तुम्हारा बी है इधर भी बी है, बी कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएंगे, ये यहाँ पे बचेगा यहाँ पे तुम्हारा माइनस बी बचेगा, ये माइनस बी दोनों जगह पे है, यहाँ पे क्या बचेगा ये इधर क्या बचेगा, बस प्रूव हो गया, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसीलिए वाला इंपॉर्टेंट है, माइनस इसे लेना पड़ता है तभी ये वाला फैक्टराइज होगा, ऐसे थोड़ा ध्यान रखना है, इसे कर लेना इसके बाद वाला स्टेप नहीं आता है ना, तो इसीलिए माइनस से भी प्लस से भी इधर कर रहे हैं, तभी जाके इधर आएगा, इधर से इधर चले जाएंगे, यहां से इधर से, इसे बोलते हैं रिवर्स,
इनवर्स ऑर्डर के इसमें टॉप से बॉटम आएगा ये बॉटम से टॉप चलेगा ये थोड़ा ध्यान रखना बच्चा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी इसके लिए क्या करना पड़ते हैं ए बी ऐड करना पड़ते हैं ए बी को सब्सट्रैक्ट करना पड़ते हैं हाँ बेटा बोलो बोलो बेटा यहाँ पे तो b है ना तो प्लस b इसमें भी प्लस b है तो b को बोल ले लिया इसमें से लास्ट में ए वाला बी है ए वाला बी है ना दोनों ही प्लस बी है ना तो प्लस बी कॉमन ले लिया तो यहाँ पे ये बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस बी बचेगा बी तो कॉमन आएगा बी और बी बी तो कॉमन है ना हाँ सेम साइन वाला कॉमन होते हैं साइन वाला कॉमन होता है ठीक है बेटा हो गया इसके बाद दूसरा ओके तो हो गया और थोड़ा क्वेश्चन देते हैं थर्ड में हम लोग का था थर्ड जो था ना बेटा होता है ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब था हम लोग इसमें ऐसे भी लिख सकते ए क्यूब लिख दिया बी क्यूब को लिखते थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए थ्री कॉमन आएगा ए और ए कॉमन आएगा बी और बी बी कॉमन आएगा यहाँ पे क्या बचेगा ए यहाँ पे क्या बचेगा बी ए प्लस बी का होल क्यूब का जो फॉर्मूला हुआ एट दो ठीक है समझ में नहीं आए अच्छा मैं बताता हूँ एक मिनट तुम लोग का बुक में देखो इस तरीका से दिया है ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब थ्री एक्स वाई एक्स प्लस वाई ये वाला कैसे करके आते हैं वो तो बता रहे हाँ नहीं वो तो किसी से भी कर सकते हो लेकिन पता होना चाहिए कितना टाइप्स में फॉर्मूला है ठीक है बेटा क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा जैसे देखो ये वाला दिया है ये दोनों सेम ही है दे आर सेम दोनों ही जो है वो सेम है लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं इसको क्यूब को एक साथ लिया एक क्यूब और एक क्यूब एक साथ लिख दिया दोनों क्यूब को ये थ्री थ्री पावर वाले को एक साथ लिख दिया और इसको एक साथ लिख अभी इसमें तो जो तो इसको लिख दिया इसे लिख दिया फिर इसको लिखा फिर इसको बात तो बराबर है तो अभी ए क्यूब हो गया बी क्यूब ए थ्री इंटू ए इंटू ए इंटू बी और एक कितना थ्री इंटू ए इंटू बी ए क्यूब प्लस बी इसमें थ्री है इसमें थ्री है थ्री आ गया इसमें भी ये है इसमें भी है तो ये आ गया तो बी भी तो ये भी हो गया तो यहाँ पे क्या बचा है ये वाला था ये चला गया चला गया चला बचा कितना अभी
अनदर फॉर्म हो गया। तो देयर आर टू फॉर्म्स, इसका दो फॉर्म ए प्लस बी का हो सकता है, एक फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म, और ये वाला कौन सा हुआ सेकेंड फॉर्म। दो तरीका से क्लियर, ये दोनों को ध्यान रखिएगा, एक ही चीज है। हाँ फिर ये भी कॉमन है, ये वाला ये वाला ये वाला कॉमन है, फिर इसमें भी थ्री, इसमें ए, इसमें भी, तो क्या होगा ए बचा या फिर बी बचा, ए प्लस बी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अभी दूसरा जो है a माइनस बी का होल क्यूब, ये फोर्थ वाला था, इक्वल्स टू a क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। इसमें भी इस तरीका से कर सकते हैं, a क्यूब और b क्यूब को एक साथ रखो, ये दोनों को भी एक साथ रखो, माइनस थ्री ए क्यूब हो गया माइनस बी क्यूब हो गया, माइनस थ्री ए इंटू बी प्लस थ्री ए इंटू बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, प्लस और माइनस है तो माइनस थ्री कॉमन हो गया, ये वाला कॉमन हो गया, ये वाला भी कॉमन हो गया, यहां पे क्या बचा है, थ्री चला गया, ए चला गया, बी भी चला गया, प्लस से माइनस कॉमन लिया तो कितना बचेगा, प्लस से माइनस, प्लस मतलब क्या होता है माइनस इनटू माइनस होता है, अभी एक माइनस चला गया तो क्या बचेगा माइनस बचेगा माइनस बी। ये वाला आगे बेटा, यहां पे थ्री ए इंटू बी लाभ नहीं लाभ, यस ये वाला प्लस थ्री ए इंटू बी। ठीक है बेटा, इसके बाद देख ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री इंटू ए इंटू बी, यहां पे माइनस थ्री लिखते हो तो यहां पे ए है, यहां पे बी है, यहां पे क्या लिखना पड़ेगा माइनस भी लिखना पड़ेगा, माइनस और माइनस मिल की क्या होगा प्लस होगा। ठीक है, तो अभी तुमने कॉमन ले रहे हो, ये माइनस वाले कॉमन आ रहा है, ये वाला कॉमन आ रहा है, ये भी कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन आ गया, ए कॉमन आ गया, बी कॉमन आ गया, क्या क्या बचेगा माइनस थ्री ए बी कॉमन, यहां पे ए बचेगा और यहां पे माइनस बी बचेगा। ओके, ये जो है ना प्लस, प्लस मतलब क्या था माइनस इनटू माइनस, तो ये माइनस थ्री लिखेंगे तो इसमें क्या माइनस बी लिखना पड़ेगा, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो प्लस के अंदर से तुमने माइनस को कॉमन लोगे तो यहां पे क्या बचेगा माइनस बच जाएगा, उसको डायरेक्ट लिख दोगे, जैसे देखो माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, इसमें माइनस थ्री ए बी लिख दिया तो यहां पे तो की बचेगा प्लस से माइनस, प्लस मतलब क्या होता है माइनस इंटू माइनस, तो अभी ए भी लिख सकते हो, ए भी लिख सकते,
लिखे बोले, ठीक है बेटा, बुक में ऐसा दिया ना तुम्हारा, ये देखो, ये देख एक बार देख, बुक में जो इस पैटर्न में दिया है, ये देख ये भी दिया ये भी दिया, दोनों दे दिया ना, तो इसी नाम दिखा रहा है कि दोनों तरीका से ही लिख सकते हो। देखो कुछ क्वेश्चन है, देखो ये वाला क्वेश्चन किस फॉर्म में है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी, इस फॉर्म में है कि नहीं? अच्छा दूसरा कुछ क्वेश्चन है, देखो ये देख ये वाला, इसमें क्या कर रहे हैं, इसको ओपन करना था, तो इसमें देख ये वाला फॉर्म में लिख रहा है, कोई भी फॉर्म में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा, कोई भी फॉर्म में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, एनी फॉर्म। तो मतलब तुम इसके फॉर्मूला ए माइनस बी का होल क्यूब का जो फॉर्मूला है, ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस बी, और एक फॉर्मूला क्या हुआ, एक ही चीज है, ए क्यूब दोनों पहले पहले लिख दो, माइनस थ्री ए बी ए माइनस ओके माइनस थ्री ए बी ए माइनस बी, कोई भी फॉर्म तुम लोग कैसा लगता है इजी, तो इसी को ही लिखो, इसे छोड़ दो, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, अच्छा और दो आइडेंटिटीज है, देखो बेटा इधर देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हो गया, ये वाला हो गया, और एक आइडेंटिटी ये वाला, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू दिस वन, तो अभी देखो इसको लिखते हैं, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। अच्छा से देखो बेटा ये देखो तुम्हारा फोर्थ वाले में थोड़ा नजदीक ले आते, फोर्थ वन, फोर्थ में एक्स प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी लिखा है ना, तो उसी को लिख दिया, ये भी प्रूव हो जाएगा, इसको हम लोग लेते सेवन, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, इसके साथ इसका इंटू होगा प्लस ए एक्स इंटू एक्स एक्स इंटू बी ए इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, एक्स इंटू एक्स क्या होता है, एक्स इंटू एक्स बेटा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, अभी ए बी एक्स है ए बी एक्स है, कॉमन आ जाएगा एक्स, और यहां पे कौन सा होगा ए, अभी इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, तो इसका वैल्यूज कितना आया, यहां पे लिख देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी इन ए, हाँ बेटा बोलो, हाँ ठीक है बाबा, एक्स प्लस ए एक्स प्लस एक्स के साथ इसका इंटू होगा ये लिखा है, ए के साथ इसका इंटू होगा
इनटू बी प्लस ए इनटू एक्स प्लस ए इनटू बी एक्स इनटू एक्स एक्स स्क्वायर ये हो गया एक्स बी ये हो गया एक्स प्लस ए बी आई बोल एक्स स्क्वायर होते हैं इसमें भी एक्स है इसमें भी एक्स है कॉमन आ जाएगा तो इसमें b हो गया इसमें a हो गया प्लस ए बी इसको तो ये भी लिख सकते बेटा a प्लस b अभी किसी ने लिख दिया c इंटू x और किसी ने लिख दिया x इंटू c दोनों तो इक्वल है ना बेटा अभी इन लोग लिखे x प्लस a प्लस b को आगे लिखा x को बाद में लिख दिया ऐसे ही चीज होगी इस तरीका का आइडेंटिटी बन जाए अंडरस्टूड आ गया ओके तो मतलब डिफरेंट वाइज में लिखना है जैसे अभी देखो हमको मान लो किसी ने इनटू करने दिया x प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस फाइव ये वाला ये हो गया ये वाला भी हो गया तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे थ्री प्लस फाइव इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू फाइव तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस ठीक है बेटा हाँ बेटा बेटा यहाँ पे क्या था ये यहाँ पे क्या था बी आइडेंटिटी क्या होता है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू क्या आइडेंटिटी होते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस एक्स प्लस ए बी यहाँ पे ए का वैल्यू कितना थ्री बी का वैल्यू कितना फाइव यहाँ पे ए का वैल्यू कितना कितना फाइव क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी लेकिन यहाँ पे ए का वैल्यू कितना दिया थ्री एक जगह थ्री लिख देंगे बी का वैल्यू कितना दिया फाइव यहाँ पे फाइव लिख देंगे इंटू एक्स एक जगह कितना लिखेंगे थ्री बी की जगह लिखेंगे फाइव एक्स स्क्वायर हाँ बेटा बोलो स्क्रीन नहीं दिखा दे रहे तो सुन लो अच्छा स्क्रीन दिखा अच्छा ओके स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा ओके आ गया अभी ओके